कोरोना संक्रमण के चलते कंडाघाट में भी लॉकडाउन चला हुआ है। 3 घंटे की ढील में बाजार में नियमानुसार खोला जा रहा है, लेकिन इन 3 घंटों में गिने चुने खरीदार ही बाजार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते व्यापार ना के बराबर हो रहा है। व्यापारी जहां एक ओर कोरोना से परेशान है तो दूसरी ओर व्यवसाय भी मंदा चल रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि वे संक्रमण का खतरा मोल लेकर दुकानें तो खोल रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है। कंडाघाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि बाजार जिला प्रशासन के आदेशानुसार खोल दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाने में कंडाघाट का व्यवसाय प्रशासन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से लोग बहुत अधिक भयभीत हैं, यही वजह है कि अब बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण व्यवसाय बेहद कम है। उन्होंने कहा कि वे खुश हैं कि लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, क्योंकि जितना वे कम निकलेंगे उतना ही वे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। अनिल शर्मा, प्रधान व्यापार मंडल कंडाघाट। लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि आजकल दुकानें 8 से 11 गवर्नमेंट जो प्रशासन का ऑर्डर है उसके मुताबिक खुल रही हैं और लोग भी साथ दे रहे हैं। आजकल मंदे की लहर है और बाज़ार खाली है, पर ये खुशी की बात है कि लोग अपने घरों में रहकर इस महामारी से बच रहे हैं। और मेरा यही संदेश है कि जैसे जैसे सरकार जो भी हुक्म देती है उसकी पालना होनी चाहिए, ताकि हम बचे रहें। अगर हम जीवित रहेंगे तभी हम कारोबार कर पाएंगे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस महामारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सबके विषय मंगल में हो, और यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। सूर्य, मैं मेन मार्केट कंडाघाट में, मेरी सब्जी की छोटी सी शॉप है और काम जो है बिल्कुल मंदा चल रहा है। कस्टमर जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए काम में बहुत फर्क है।